तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार आज मेरा ये तीसरा रिव्यू है और ये टोयोटा एक्सियो 2019 मॉडल और फ्रेश के लिए 2022 है। तो चले मैं आपको इसका पूरा रिव्यू देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ हर एक चीज़ इंजन के बारे में, जो जो इसमें फीचर्स हैं वो सारे बताता हूँ। और ये पुश स्टार्ट नहीं है, ये की स्टार्ट है। और ये सिंपल वेरिएंट जो आता है इसमें ये वो है कि शेप की बात कर ली जाए तो बहुत ही अच्छा डिसेंट और मींस के अच्छा लुक है इस गाड़ी का बहुत। और जो फ्रंट में मैं आपको दिखाऊं कि प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, हेलोजन बल्ब है और इसका इंडिकेटर एलईडी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक पार्किंग सेंसर इधर आता है, एक ये और एक ये, इसमें चार पार्किंग सेंसर आते हैं। इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते और इसमें अलार्म्स भी नहीं आते। ये सिंपल वेरिएंट वाली गाड़ी है। इसमें डनलप के टायर आते हैं 185, 60 और R15 के रिम्स हैं। और ये साइड प्रोफाइल गाड़ी की, साइड में हाइब्रिड की बैजिंग आती है। साइड मिरर में वही करोला वाला सिंपल साइड मिरर है और रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टमेंट भी है इसमें। और साइड से इसकी जो लुक है ये है की बात कर ली जाए तो इसमें एलईडी बैकलाइट आती है और सिंपल इंडिकेटर और सिंपल रिवर्स लाइट आती है। पीछे इसमें हाइब्रिड का लोगो और यहाँ पे एक्सियो की बैजिंग और करोला एक्सियो लिखा हुआ है। और यहाँ पे हाइब्रिड का जो टोयोटा का हाइब्रिड का लोगो होता है, यहाँ पे कोई बटन वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहीं से अगर आपको खोलना है तो यहाँ से आप की से खोल सकते हैं और अंदर से खोल सकते हैं। इंटीरियर में जाने से पहले इसमें स्मार्ट एंट्री वगैरह है और कीलेस एंट्री नहीं है। इसकी ये चाबी है, लॉक अनलॉक। और ये अभी इसको मैंने अनलॉक किया की बात कर ली जाए तो इसमें चारों पावर विंडोज और फुल ऑटो है। ब्लैक इंटीरियर है इसका, इसमें बेज इंटीरियर भी आता है और इसमें रेड इंटीरियर भी आता है जो WXB वर्जन में होता है। ये सिंपल वर्जन है, एक्स इसका वेरियंट है। और इसकी चारों विंडोज ऑल ऑटो हैं और जो इसका हैंडल है वो क्रोम हैंडल नहीं है, ये सिंपल हैंडल है। लॉक अनलॉक, लॉक जहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक विंडोज को बंद करने के लिए। ये इसकी चाबी है, मैं अभी इसको स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, अभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। एक आवाज़ थोड़ी सी इंजन की होती है, ये अभी बैटरी पे तो इस वजह से इनमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है। स्टेयरिंग की बात कर ली जाए तो इसमें एयरबैग, यहाँ पे इसका मीटर है, यहाँ पे ये इसकी एवरेज आती है और बैटरी क्या कितनी चार्ज है। और इसका जो मीटर बिल्कुल सेम टू सेम इसका वो यारिस वाला है, जो यारिस में वो 220 का होता है, इसमें 180 का है, क्योंकि जो जापान में लिमिट है स्पीड की वो 180 है। यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं कि ये बटन्स हैं इसके सारे, यहाँ पे ये जीरो जो डिजिटल स्पीड है ये वो बता रही है और इसमें एनालॉग दोनों हैं। इसमें RPM भी है लेकिन RPM बिल्कुल, अगर आप फुल रेस, अगर मैं अभी फुल दबा के खड़ा हुआ हूँ, ये 3 से ऊपर RPM नहीं जा रहा है। इसका RPM 6 तक जाता है वैसे। और नीचे करें तो इसमें टाइम फ्यूल वगैरह आता है, रेंज फिर से वही वापसी। फिर यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो इको की पूरा हर एक चीज़ बताए, क्या चार्जिंग है, क्या कितने आपने पैसे सेव किए और हर एक चीज़। और दूसरा इसमें लेन असिस्ट का फीचर है। लेन असिस्ट में जैसे आप कहीं अगर लेन से बाहर निकल रहे हैं तो फिर उसको हर एक चीज़ मीन्स के वो बताती है कि भाई यहाँ से आप लेन से बाहर ना निकलें। ये फिर से वही पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के लिए है। फिर से अगर हम बैक जाएं तो फिर वही चीज़ें आ जाती हैं। आपको पूरा इंटीरियर का व्यू देता हूँ। साइड में अगर आप आ जाएं इधर तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। नीचे आप देखें तो इसमें लेन असिस्ट, एंटी कोलिजन, ऑटो हेडलाइट्स, इसमें लाइट्स की एडजस्टमेंट भी है। डैशबोर्ड की बात कर ली जाए तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत और डिसेंट डैशबोर्ड है। इसमें LCD की बात कर ली जाए तो इसमें वॉल्यूम अप डाउन और इसमें ब्लूटूथ ऑडियो मैप वगैरह हर एक चीज़ है। और ये लेकिन जैपनीज में इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है, इसका जो सेंटीग्रेड है वो लास्ट 17 है और क्या इसकी जो थ्रो है बहुत अच्छी थ्रो है और नॉर्मल गाड़ी की तरह है, ज़्यादा थ्रो नहीं है। और इसमें वही कन्वेंशनल वो मिरर है, कोई वो ऑटो नहीं है। यहाँ पे दो लाइट्स हैं
यहाँ पे कोई मिरर वगैरह कुछ भी नहीं है सनवाइजर्स में, सनवाइजर में इधर भी मिरर नहीं है। इसमें जो एयरबैग्स हैं टोटल 6 से 8 एयरबैग्स आते हैं, एक ये रहा, एक वो रहा, एक ये रहा, एक वो रहा और एक पीछे रहा और एक यहाँ रहा। इसमें नीचे कंसोल में पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग और बी ऐसा जो सेकंड गियर कहलाता है जापान में, जैसे कुछ गाड़ियों में एल होता है, किसी में बी होता है, किसी में 1-2 होता है, वही नॉर्मल हैंड ब्रेक है। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, इको मोड, ईवी मोड, यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट भी है। ये आर्मरेस्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आर्मरेस्ट है नॉर्मल। यहाँ पे कप होल्डर, यहाँ भी कप होल्डर, इधर भी लाइट है। बाइक में इसकी बहुत अच्छी स्पेस है और ये करोला के चेसिस पे होती है गाड़ी, तो उस हिसाब से इसमें जो स्पेस है वो बहुत अच्छा है और 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं और इसमें 3 हेडरेस्ट भी हैं। इसका जो लेग स्पेस है वो सही है, ज़्यादा नहीं है लेकिन सही है, करोला जितना नहीं है इसमें। और इसमें पीछे बम भी नहीं है तो पीछे बंदा बीच में आराम से बैठ सकता है। मैं आपको हेड स्पेस भी दिखा देता हूँ, हेड स्पेस सही है, ज़्यादा नहीं है, अगर बीच में बंदा बैठेगा तो उसको महसूस। टीम का रिव्यू अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आगे आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे कोई भी अगर आपको गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, कभी कभी नहीं होती तो मसला नहीं है, मैं आपके लिए अरेंज करवा दूँगा।